नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो बर्मीज वॉर और एंग्लो गुरखा वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये वाले दो बड़े किंगडम्स हैं जो अब ये ब्रिटिश कॉन्कर करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर्स को डिस्कस किया था और अब केवल एक सिख एम्पायर बचेगा इस लड़ाई के बाद में, यानी कि एंग्लो नेपाल वॉर के बाद में। तो अगला चैप्टर उस पर होगा। अब आज शाम को मैं कमेंट्स पढ़ रहा था सारे पुराने हिस्ट्री के वीडियोस के, तो मुझे एक सुझाव बहुत ही अच्छा लगा और उसको मैं इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ। तो सुझाव ये था कि अभी तक के जितने भी हिस्ट्री लेक्चर्स हुए हैं, यानी आज वाला मिला के 10 लेक्चर्स जो हैं, इनमें अगर कोई डाउट है तो वो पूछने के लिए एक सेशन चाहता था स्टूडेंट, किसी ने सुझाव दिया था, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट रिमेंबर योर नेम। तो मैंने एक स्पेशल क्लास रखी है कल शाम को 7 बजे, जिसमें मॉडर्न इंडिया की सीरीज में अभी तक के जो 10 लेक्चर्स हैं उनसे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं शाम को 7 बजे। ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इस क्लास का लिंक टेलीग्राम चैनल पर कल सुबह आपको मिल जाएगा, लाइव हो जाएगा, ऑलराइट। और वहां पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इट्स अ कंप्लीटली फ्री क्लास, स्पेशल क्लासेस आर ऑलवेज फ्री। तो यहां पर केवल एक अनलॉक कोड मांगा जाएगा, तो आप मेरा नाम महिपाल वहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम जो भी डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की आपकी कोशिश करेंगे। और लगे हाथ मैंने करंट अफेयर्स की क्लास का भी एक डाउट सेशन रख दिया है, क्योंकि कई लोगों के उसमें भी डाउट रहते हैं। कमेंट्स देखो सारे मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, इतना नहीं मिल पाता टाइम, लेकिन हाँ मैं पढ़ता जरूर हूँ कमेंट्स को। तो जितने भी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हुए हैं पिछले 12 दिनों में, 1 मार्च से 12 मार्च तक, उनके डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। आई ट्राई कि पुराने वाले लेक्चर्स के भी सॉल्व कर दूं, लेकिन डोंट गो आफ्टर मी, क्योंकि देखो थोड़ा पुराना नॉलेज हो जाता है तो मुझे भी ब्रशअप करने में टाइम लगेगा। बट हाँ, पिछले 12 दिनों में अगर कोई भी डाउट है किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में, यू कैन गो एट एंड आस्क मी एट 11 AM इन द स्पेशल क्लास। और दिन में 3 बजे एक और क्लास में लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री जीएस की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये भी कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि हिस्ट्री आप तो पढ़ा रहे हो लेकिन हम कैसे तैयारी करें, किताब कौन सी पढ़ें। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल 3 बजे, ठीक है। तो 3 स्पेशल क्लासेस हैं कल मेरी, 11 बजे, 3 बजे और 7 बजे। अगर मॉडर्न इंडिया से कोई भी डाउट है 7 बजे शाम को मिलता हूं आपको। कल से पाथफाइंडर की फ्री टेस्ट सीरीज भी शुरू होने जा रही है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो ये टेस्ट सीरीज भी आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर अटेम्प्ट कीजिए। और अभी हमने शुरुआत करी है सेक्शनल टेस्ट से, धीरे धीरे हम फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो यहाँ पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स डेली लाइव क्लासेस लेते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप कोर्स को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एजुकेटर पसंद है उसकी क्लास आप अटेंड कीजिए, उनके कोर्सेज आप अटेंड कीजिए। केवल एक बार आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है और ये सब्सक्रिप्शन 2 तरह का है, प्लस या आइकॉनिक। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी, यूज द डिस्काउंट कोड महिपाल एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनलाइज मेंटोर मिलेगा जो आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी करवाएंगे। और आइकॉनिक कोर्स में भी ये प्राइसेस पे मत कीजिए, आपको ये प्राइस पे करनी होगी अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल, गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। और ये बात समझ लो कि पर्सनलाइज मेंटोर आपको इस वक्त भारत में और कोई ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध नहीं कराती है, तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर गैप है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में था और इसको आइकॉनिक कोर्स ब्रिज कर देता है। अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों के कोर्सेज साथ में लेना चाहते हैं तो आपको प्राइस में डिस्काउंट पड़ेगा। और अगेन, डोंट पे दीज प्राइसेस, यूज द कोड महिपाल, भूलना मत जब चेकआउट करो पेमेंट के लिए, उससे पहले ये कोड जरूर लगाना, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ऑप्शनल के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी आप तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के भी आपको कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे प्लेटफॉर्म पर। यूज द कोड महिपाल, गेट 10% डिस्काउंट एंड यू हैव टू पे दीज प्राइसेस। अब देखो, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की और बर्मा की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चाइना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चाइना जो है उसमें हमेशा कोई ना कोई बड़ा राजवंश रहा है, एटलीस्ट पिछले 2000 सालों के इतिहास में, और समय समय पर ये डायनेस्टीज चेंज होती गई हैं। काफ़ी कुछ भारत जैसा ही रहा है, चाइना का भी बहुत लंबा इतिहास है, वहाँ के बच्चे भी बहुत दुखी होते हैं हिस्ट्री पढ़ने में। तो यहाँ पर 1644 में आती है चिंग डायनेस्टी, इसको किंग नहीं कहते, चिंग कहते हैं, ओके okay, जैसे चाइना में वाला जो च है ना, वैसे चिंग बोला जाता है, इसको प्रोनाउंस चिंग करते हैं। कई बार मैं भी किंग डायनेस्टी बोल देता हूँ, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज चिंग। तो 1644 में चिंग डायनेस्टी आती है और 1912 तक ये रूल करती है। 1912 में डायनेस्टीज, राजा महाराजा सब खत्म चाइना में, उसके बाद आ जाता है चाइनीज रेवोल्यूशन, जिसको भी एक दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा। चिंग डायनेस्टी के शासन में आज का चाइना का जो एरिया है वो तो था ही, उसके अलावा और भी बहुत सारा एरिया था, जैसे जो मंगोलिया है ये भी इनके कंट्रोल में था, ताइवान इनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, उसके उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया लगभग पूरा इनकी अधीनता में था, सुजरेंटी में था। यानी कि यहाँ पर इनका डायरेक्ट रूल नहीं था चिंग एम्परर का, लेकिन यहाँ के जो राजा हैं ये सब बेजिंग में जाकर सर झुकाते थे, जब भी पैसा मांगा जाता था पैसा देते थे। तो मेनली यहाँ पर एक तो बर्मा का किंगडम है, फिर ये जो इंडो चाइना रीजन है जो आज का थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है, यहाँ पर भी जो किंगडम्स थे जैसे कि अनम जो वियतनाम में है, सियाम जो थाईलैंड है, ये सारे भी
चिंग डायनेस्टी के अधीन थे, ओके। और यहां पर ये जो कोरिया के किंगडम्स हैं, ये भी समय समय पर इनके अधीन रहा करते थे, कभी होते थे कभी नहीं होते थे। तो कुल मिलाकर चिंग डायनेस्टी वॉज वेरी पावरफुल, और एक समय ऐसा आया जब ये नेपाल वाला जो एक गुरखा किंगडम है इसके भी संपर्क में आया, ये भी इनके अधीन था। आज का जो तिब्बत है ये भी इनके अधीन आ गया था चिंग डायनेस्टी के, तो काफी बड़ा एरिया चिंग डायनेस्टी रूल करती थी। अब नेपाल की हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि एंग्लो गुरखा वॉर्स की मैं बात करने जाऊंगा। तो नेपाल का जो किंगडम है ये ऐतिहासिक तौर पर हिमालयन किंगडम, हमेशा से कोई ना कोई यहाँ पर अलग डायनेस्टी रूल करती आई है। 1559 के बाद से यहाँ पर गोरखा कॉन्फेडरेसी थी। कॉन्फेडरेसी का मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, तो ये 24 राज्य थे जिनको 24 ही राज्य कहा जाता था। ये 24 स्टेट मिलकर बनाते थे गोरखा कॉन्फेडरेसी। तो याद है आपको मराठा कॉन्फेडरेसी जैसे, जहाँ अलग अलग चार किंगडम और उनके ऊपर एक पेशवा, कुछ उसी तरह का सिस्टम यहाँ पर भी था। गोरखा कॉन्फेडरेसी थी 1768 तक, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन 1768 में एक राजा आया, किंग पृथ्वी नारायण शाह, इन्होंने इन सारे राज्यों को यूनाइट कर दिया, एक करके एक बड़ा पावरफुल स्ट्रांग किंगडम बनाया, जो मोर और लेस आज का नेपाल की बाउंड्री आप देखते हो वो इनके समय में आपको देखने को मिलती। तो पृथ्वी नारायण शाह के समय में गुरखा किंगडम काफी शक्तिशाली हो गया और इसने अपने पड़ोसियों पर हमले शुरू कर दिए। तो इन्होंने तिब्बत पर कई आक्रमण किए और तिब्बत पर इतने आक्रमण करे, इतनी बार इनके कैपिटल वगैरह में लूटपाट मचाई कि फाइनली जो दलाई लामा थे तिब्बत के लीडर स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्होंने चिंग डायनेस्टी से सहायता मांगी। मतलब देख रहे हो 150 साल पहले बिल्कुल अलग ही हिसाब किताब था। तो चिंग डायनेस्टी से मदद मांगी गई दलाई लामा के द्वारा कि ये गुरखा किंगडम जो है हम पर हमला कर रहा है, आप आओ और इनको खदेड़ो यहां से। तो फाइनली चाइना के एम्परर ने अपनी आर्मी भेजी और नेपाल की आर्मीज को तिब्बत से खदेड़ दिया। तो ये जो तिब्बत वाला एरिया है यहाँ से नेपाल को वापस पुशबैक कर दिया गया, और इनफैक्ट चाइना की जो आर्मी है, चिंग डायनेस्टी की जो आर्मी है, वो काठमांडू इनके कैपिटल तक आ गई थी। और जब ये काठमांडू इनका खतरे में था तब नेपाल के गुरखा किंगडम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सपोर्ट मांगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1790s आते आते काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, इनके यहाँ पर दक्षिण में पड़ोसी हैं। याद करो बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी है, पूरा बंगाल इनके कंट्रोल में आ चुका है, और यहाँ पर अवध भी इनका सब्सिडियरी अलायंस है। तो काफ़ी निकट पड़ोसी हैं नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनसे मदद मांगी गई कि आपके पास आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब बेसिकली तोपें हैं, तो आप तोप वोप लाकर थोड़ी हमारी मदद करो, ये चाइना की आर्मी है। लेकिन तब तक पीछे चाइना और नेपाल की आर्मी में सुलह हो जाती है, संधि साइन कर लेते हैं, नेपाल के राजा चाइना के अधीन होना स्वीकार करते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है हम वसाल हैं और कल को अगर कुछ पैसा वैसा भेजना होगा तो हम भेज देंगे। बेसिकली नेपाल भी अब चाइना के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट शासन नहीं है, राजा अभी भी इनके गुरखा डायनेस्टी के ही राजा हैं। लेकिन कुछ ही सालों में गुरखा राजा फिर से एक्सपांड करना शुरू करते हैं, बस इस बार ये तिब्बत की तरफ नहीं जाते, इस बार ये भारत की तरफ अपना रुख करते हैं। टू बी स्पेसिफिक, भारत में जो आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहां के जो पहाड़ी राजा थे उन पर ये हमला करते हैं और इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इधर दूसरी तरफ ये सिक्किम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, इनफैक्ट जो आज का बिहार है उसके भी कई एरियाज को हमला करते हैं, वहां पर भी अटैक्स करते हैं। तो आप समझ रहे हो किस तरह से अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल थ्रेटन कर रहे हैं। तो नेपाल के गुरखा किंगडम के इस एक्सपांशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा खतरा लगा कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इधर गोरखपुर वाले रीजन में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को ये एनेक्स कर चुके थे और अब इनका डायरेक्ट बॉर्डर था नेपाल के साथ। पहले जैसे अवध किंगडम आता था बीच में या फिर बंगाल के नवाब का एरिया हुआ करता था, लेकिन अब तो ये डायरेक्ट पड़ोसी हैं और डायरेक्ट पड़ोसी होने के नाते हमेशा इनको भी खतरा है कि भाई इधर एक्सपांड कर गए, इधर कर गए, कल को बंगाल में भी घुसाएंगे ये। तो इसीलिए इस बैकग्राउंड में एंग्लो नेपाल वॉर होता है। एग्जैक्ट जो लड़ाई का कारण था वो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप ये कुमाऊं, गढ़वाल, अवध और सिक्किम पर हमला मत करो। बेसिकली अवध को इन्होंने बहाना बनाया था कि ये सारे जो एक्स्ट्रा एरिया गुरखास ने कंट्रोल में लिए हैं अपने, ये गलत हैं और कुछ एक छोटी घटना हुई थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी लड़ाई शुरू होती है 1814 में, बस आपको ये ईयर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 तक होता है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य केवल ये नहीं था कि हम अपना बॉर्डर सिक्योर करें, इनको तिब्बत तक जाना था और तिब्बत जाने के लिए इनको रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर भूटान का राजा इनको जाने नहीं देता था, नेपाल से भी ये जा नहीं सकते थे, इनको तिब्बत का ट्रेड चाहिए था। तिब्बत के साथ इनको फर का, ऊन का व्यापार करना था, पश्मीना का व्यापार करना था, बहुत लुक्रेटिव ट्रेड था ये सब। और नेपाल के राजा लगातार इनको मना कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे लोगों का, तो इसीलिए इन्होंने, गुरखास ने इनको परमिशन नहीं दी। तो इसी बैकग्राउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी तो मौका तलाश रही थी कि हमें तो तिब्बत तक का ट्रेड चाहिए, तो नेपाल पर हमला करते हैं, गुरखा राजा को अपने अधीन लाते हैं और फिर ट्रेड आराम से करेंगे। तो अल्टीमेटली 2 साल लड़ाई चलती है और फाइनली सुगौली नाम की एक जगह है, आज का जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर एक गांव है सुगौली, वहाँ पर फाइनल लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद एक संधि होती है जिसको ट्रीटी ऑफ सुगौली कहा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने सितारे चाहो लगा लो।
अगर कुछ पूछा जाएगा तो ट्रीटी ऑफ सुगौली पूछा जाएगा, क्योंकि इस संधि के कारण आज भी भारत और नेपाल का बॉर्डर बनता है। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली ने जो बाउंड्री है उसको तय कर दिया, और इनफैक्ट भारत आज़ाद होने के बाद भी आज भी हम इसी ट्रीटी को मानते हैं कि इसी के अनुसार भारत और नेपाल का बॉर्डर है। नेपाल एक तरह से सब्सिडियरी अलायंस में आ गया, इन्होंने मान लिया कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा काठमांडू में रहेगा, ठीक है, उनके फॉरेन रिलेशंस वगैरह को देखेगा। गढ़वाल और कुमाऊं इन्होंने किसको दे दिए, अंग्रेजों को। तो ये वाला जो एरिया था ना, इधर इन्होंने जो कब्जा कर लिया था उत्तराखंड हिमाचल वाला, ये गढ़वाल कुमाऊं तो बेसिकली उत्तराखंड है, तो ये एरिया इन्होंने ब्रिटिश को दे दिया, और ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या बनाए, बहुत सारे खूबसूरत हिल स्टेशन जहाँ पे पूरा भारत आज घूमने जाता है। दूसरी तरफ यहाँ सिक्किम के राजा बोले कि अरे भाई हमारा भी एरिया है, हमें भी फ्री करवा दो इनसे, गुरखास से। तो एक अंग्रेजों ने कहा कोई बात नहीं, आप भी फ्री हो जाओ। तो नेपाल के गुरखा किंग को बोला कि अब आप सिक्किम पर भी अपना शासन नहीं रखेंगे। तो बेसिकली गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम आज भारत के ऑलमोस्ट तीन राज्य जो हैं वो उस समय नेपाल के अंडर या गुरखा के अंडर थे। गुरखा किंगडम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें अपने अधीन ले लिया। सुगौली की संधि का एक आखिरी और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ये था कि हमेशा के लिए गुरखास को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट किया जाने लगा, क्योंकि इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई गुरखा जैसे तो हमने सैनिक ही नहीं देखे, इतना गजब तरीके से ये लड़ाई लड़ते हैं, तो हमें ये सैनिक अपनी आर्मी में चाहिए। तो इन्होंने नेपाल के राजा से स्पेशली ये रिक्वेस्ट डाली, आप सुना है किसी संधि में कि आपके सैनिक हमारे आर्मी में रिक्रूट करेंगे, तो इसीलिए ये संधि का एकदम बहुत स्पेशल एस्पेक्ट है ये कि गुरखास को हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट करेंगे। और आने वाले 100-150 सालों में गुरखास ने ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत जगह लड़ाइयाँ लड़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इनफैक्ट 1857 की जो क्रांति है उसको दबाने में बहुत बड़ा रोल गुरखा रेजिमेंट्स का था। और आज भी यानी कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया से जा चुका है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश आर्मी आज भी नेपाल आती है हर साल, और लगभग 350 गुरखा लोगों को रिक्रूट करके लेके जाती है। वहाँ पर एक बड़ी भर्ती रैली होती है जिसमें बहुत लोग आते हैं, और क्योंकि आप समझ रहे हो कि इसमें सिलेक्ट होते ही सीधा आपको ब्रिटेन की तनख्वाह उनका मिलेगी, पाउंड स्टर्लिंग में तनख्वाह आती है, तो ये काफ़ी लुक्रेटिव माना जाता है। और गुरखास जो है वो भारत की आर्मी में भी रिक्रूट होते हैं, इंग्लैंड की आर्मी में भी रिक्रूट होते हैं, और सिंगापुर की आर्मी में भी होते हैं, याद रखना, सिंगापुर की आर्मी नहीं, पुलिस में होते हैं, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये जो ब्रिटिश गुरखा रेजिमेंट है उसका एक फोटोग्राफ है। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं आज भी नेपाल में रिक्रूटमेंट के लिए, भारत की सेना का भी वहां पर रिक्रूटमेंट सेंटर है, और सिंगापुर की पुलिस भी इनको रिक्रूट करती है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी फियरलेस वॉरियर्स। अब इस संधि का ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा मिला, देखो एक तो इनको तिब्बत का एक्सेस मिल गया जो इनको बहुत बुरी तरह से चाहिए था, तो इससे इनको ट्रेड फैसिलिटी या ट्रेड एक्सेस मिल गया टुवर्ड्स तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। दूसरा फायदा ये है कि अब ये तो देखो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक फायदा है कि इन्होंने बहुत सारे हिल स्टेशन बसा लिए, जैसे शिमला, मसूरी, ये सब, मसूरी तो कुछ था ही नहीं, शिमला एक छोटा सा गांव था, नैनीताल भी गांव था, इन सबको इन्होंने अपने समर कैपिटल्स की तरह डेवलप करना शुरू किया या समर रिजॉर्ट्स की तरह डेवलप करना शुरू किया। इनफैक्ट शिमला को तो इन्होंने कैपिटल ही बना दिया था अपना 1863 या 62 था, मैं ईयर श्योर नहीं हूँ, क्या आप बता सकते हो ईयर क्या था, 1862 था या 1863 था, अगर कोई शिमला से है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ये था कि नेपाल हमेशा के लिए चाइना के कंट्रोल से बाहर आ गया, चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया, क्योंकि चाइना की जो चिंग डायनेस्टी है वो बहुत ही कमज़ोर होना शुरू हो गई थी, 1820 से ही उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था, इनफैक्ट 19th century की शुरुआत से ही वो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो चुकी थी। तो एंग्लो गुरखा वॉर के बाद अब हम आते हैं एंग्लो बर्मा वॉर पर। तो आज का जो बर्मा देश है जिसको हम म्यांमार कहते हैं उसकी करंट बाउंड्रीज तो ये वाली हैं, लेकिन पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी में बर्मा इससे भी बड़ा था, क्योंकि बर्मा की जो रूलिंग डायनेस्टी थी कॉनबाउंग डायनेस्टी, आई एम श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग बट इट्स ओके, अब बर्मा में किससे पूछने जाऊँगी क्या प्रोनाउंसिएशन था। तो कॉनबाउंग डायनेस्टी जो है ये काफ़ी पावरफुल हो गई थी, और इसकी स्थापना वैसे 1752 में हुई थी, इररेलेवेंट फैक्ट है, बस ऐसे दिमाग में आया तो बता दिया। ये काफ़ी पावरफुल हो गए थे और इन्होंने हमारे आज के जो नागालैंड, मणिपुर, असम वाले एरियाज़ हैं इन पर भी अपना कंट्रोल जमा दिया था। 1820 के आसपास बर्मा की डायनेस्टी ने इस एरिया पर, यानी हमारा जो आज का असम एरिया है, जहाँ पर कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी, अहोम डायनेस्टी, अहोम किंगडम पर इसने हमला किया और वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो बेसिकली बर्मा वॉज बिकमिंग वेरी पावरफुल, और अहोम कंट्रोल करने के कारण ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल, किसके बॉर्डर पर आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पड़ोसी बन गए। तो इस प्रकार का कुछ बॉर्डर था उस समय, ये है असम जहाँ पर बर्मा का रूल आ गया था, बर्मा का आधिपत्य, यह आज का बांग्लादेश पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था क्योंकि बंगाल पूरा इनके पास जा चुका था, और यहाँ उत्तर में आप देख सकते हैं भूटान का किंगडम, किंगडम ऑफ भूटान। तो बेसिकली बर्मा और ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ोसी हो चुके हैं 1820 आते आते, जब बर्मा ने किस पर हमला किया है, अहोम्स पर, और उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो इस बैकग्राउंड में 19वीं शताब्दी में तीन एंग्लो बर्मा वॉर होते हैं, एंग्लो बर्मीज वॉर कह लो।
पहला होता है 1824 से 1826 में। ईयर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रीटी ऑफ यांडा बो इंपॉर्टेंट है। 1826 में युद्ध खत्म होने के बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ यांडा बो। तो जैसे वहां ट्रीटी ऑफ सुगौली इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही यहां पर भी केवल संधि इंपॉर्टेंट है। लड़ाई शुरू क्यों हुई उसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक रीजन पता होना चाहिए। बेसिक रीजन दो थे, एक तो देखो ये बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी बन गए थे, मैंने आपको बताया ये थ्रेटन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पड़ोस में आ गए थे। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या डर था कि यहां पर फ्रेंच कंपनी का काफी इन्फ्लुएंस था, यहां थाईलैंड और वियतनाम वाला जो एरिया जिसको फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाने लगा आगे जाकर, और फ्रेंच है ना यहां पर बर्मा के दरबार में भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते थे। जैसे पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस नहीं था मुगल कोर्ट में, कुछ उसी प्रकार का इन्फ्लुएंस फ्रेंच का था बर्मा के राज्य में। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह डर था कि बड़ी मुश्किल से कर्नाटिक वॉर में इनको हराकर भगाया है यहां से, मान लो अगर ये बर्मा पर कब्जा कर लेते हैं तो फ्रेंच तो फिर से पावरफुल हो जाएंगे यहां पे सब कॉन्टिनेंट में। तो इनको ये दो डर थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए थे, इनके रिसोर्सेज। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वैसे भी कोस्ट लाइन जहां दिखती थी बस वो लड़ाई लड़ने पहुंच जाते थे, तो कोस्ट लाइन के चक्कर में या रिसोर्सेज के चक्कर में भी ये लड़ाई शुरू हुई थी, और ये तीन रीजन आप लिख सकते हो। तो इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी सफलता मिली, इनका जो एक बहुत बड़ा शहर था रंगून ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया बहुत जल्दी, और ये इनके कैपिटल तक पहुंच गए थे। एवा इनका कैपिटल था सेंट्रल बर्मा में, जो आज मैंडले नाम का सिटी है उसके पास में। तो ऑलमोस्ट इनकी आर्मी एवा कैपिटल तक पहुंच गई, और वहां जाकर इन्होंने फिर ये ट्रीटी साइन करवाई, ट्रीटी ऑफ यांडा बो। तो ट्रीटी ऑफ यांडा बो के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बहुत सारे हित साध लिए। एक तो इन्होंने बर्मा से ले ली वॉर इंडेमनिटी, ठीक है, उस समय इन्होंने ली थी 1 मिलियन पाउंड के आसपास ये वॉर इंडेमनिटी थी। और दूसरा, मणिपुर को इन्होंने इंडिपेंडेंट करा लिया। तो कुछ एरिया जो ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोटेक्टोरेट मान लिए थे, मतलब इन्होंने बोला भी नहीं था कि हमें प्रोटेक्शन दो, फिर भी बस की प्रोटेक्शन ले लो आप। तो मणिपुर कचार जैसे जो स्टेट्स थे जिनका बहाना करकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई लड़ी थी कि आपने मणिपुर और कचार स्टेट को कैसे कब्जे कर लिया, बर्मा पर यह आरोप लगाया था, इन स्टेट्स को इंडिपेंडेंट करवा दिया, ठीक है। और ये देखो कि 3-4 साल बाद तो कचार स्टेट तो इन्होंने एनेक्स ही कर लिया, वहां के राजा को किसी ने गोली मार दी थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी कि ये जो अराकान प्रोविंस है ना, जो रखाइन प्रोविंस है इनका, ये पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। तो देखो कोस्ट लाइन का एक तिहाई हिस्सा यहाँ पर इनके हाथ में आ गया। दूसरा, ये तेनासिरिम स्टेट है, ये भी इन्होंने ले लिया। तो ये दो बड़े कोस्टल प्रोविंसेस अराकान और तेनासिरिम, ये बर्मा के राजा के हाथ से चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। फिर बर्मा को ये कहा गया कि आज के बाद आप कभी भी असम, कचार, जयंतिया हिल्स, बेसिकली मेघालय असम वाला जो एरिया है वहां पर कंट्रोल करने नहीं आओगे, अपनी आर्मीज को नहीं भेजोगे, यू हैव नो क्लेम ओवर दीज एरियाज, ठीक है। तो ये वाले एरिया उस समय बर्मा के हाथ से जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए, और इसीलिए आज भी ये भारत का हिस्सा है ना कि बर्मा का हिस्सा है। और बाकी तो देखो नॉर्मल है, रेजिडेंट बैठेगा आपके दरबार में, वो तो सबसे डेरी अलायंस के अंदर होता ही है कि रेजिडेंट जाएगा आपके दरबार में बैठेगा, जो वो बोलेगा वो आपको करना है। और बर्मा का भी एक एनवॉय इन्होंने खुश करने के लिए बर्मा को कलकत्ता में बिठा दिया। तो अब इस लड़ाई के बाद या ट्रीटी ऑफ यांडा बो के बाद मैप कैसा नजर आता है, आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कॉन्टूर्स बन रहे हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को ज्योग्राफी के लेंस लगाकर भी देखने की समझने की कोशिश करो। तो यहां पर ये बर्मा की इन्होंने बाउंड्री तय कर दी, कैसे, क्योंकि एक तो देखो मणिपुर का किंगडम है, ये इन्होंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया कि मणिपुर के अंदर अब कोई भी बर्मा का इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर अहोम्स का जो किंगडम है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, तो अहोम्स का रूल अब खत्म, और 1826 के बाद असम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये वाला एरिया पूरा सिक्योर कर लिया इन्होंने, यहां पर अपना एक बॉर्डर सिक्योर कर लिया। इधर कचार स्टेट के राजा को मैंने बताया आपको कि उसका किसी ने हत्या कर दी, उनकी असासिनेशन हो गया था, तो ये तो इन्होंने सीधा ही एनेक्स कर लिया, तो यहां पर तो कोई राजा बचा ही नहीं। तो काफी एरियाज इनके पास आ गए, हालांकि इनमें से ज्यादातर एरिया ट्राइबल एरियाज थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक पॉलिसी रखी कि यहां पर बंगाल के लोगों को, प्लेन्स एरिया के लोगों को हम आने की परमिशन नहीं देंगे, अगर किसी को जाना है तो उसको लेना पड़ेगा परमिट, और इसीलिए वो व्यवस्था इनर लाइन परमिट के रूप में आज भी कई जगह मौजूद है। अब इस मैप में आप देखो आपको एक ही बड़ा किंगडम नजर आएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं है, भूटान, क्योंकि इधर तो क्या है सिक्किम और उधर आगे नेपाल, इन सबके साथ ट्रीटीज हो चुकी हैं, संधियां साइन हो चुकी हैं। तो अब केवल एक भूटान इनको चैलेंज कर रहा था, और भूटान को भी आगे पढ़ लेंगे, छोटा सा ये ज्यादा नहीं है। सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर क्यों होता है, क्योंकि देखो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये और ये वाला एरिया था, लेकिन इनको तो भाना चाहिए था। अब इनको 1852 में लगा कि यार बहुत सारे जंगल हैं बर्मा के अंदर वाले एरिया में, यहां से तो हम रिसोर्सेज, लकड़ी मिल जाएगी हमें, टिम्बर मिल जाएगा, नया मार्केट मिलेगा, बर्मा इतना बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, वहां पर हम हमारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इस बार जबरदस्ती लड़ाई का बहाना ढूंढा, एक बर्मीज जहाज को पकड़ा और उसको अपने कब्जे में ले लिया। ऑफ कोर्स लड़ाई इसी से शुरू होती है, और इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रूप्स या फिर आर्मीज और आगे तक चली गई, और इन्होंने पेगू को अपने कंट्रोल में ले लिया। पेगू इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंसेस, मतलब आप समझ लो कि उनका बंगाल है ये। तो पेगू इनके हाथ से चला गया, बर्मा के राजा के हाथ से। तो अब तो इनके पास कोस्ट लाइन बची ही नहीं, पूरे के पूरे कोस्टल एरियाज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जा चुके हैं।
कुछ सालों तक बर्मीज गुरिल्ला रेजिस्टेंस दिखाते रहे लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर फाइनल थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर होता है। अब ये तो केवल नाम का था, एक नया राजा आया था, उसने कोशिश करी कि ब्रिटेन को मैं थोड़ा लड़ाई लड़के हरा देता हूँ, ठीक है। तो उसने फ्रेंच, जर्मन और इटालियंस के साथ कमर्शियल ट्रीटीज साइन करनी शुरू करी, उनसे मदद मांगनी शुरू करी, फ्रेंच को बुलाकर रेलवे बनवाने शुरू करे। बाय द वे इस समय तक फ्रेंच यहाँ पर थाईलैंड और वियतनाम वाले एरिया में काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, इनका अच्छा खासा यहाँ पर कंट्रोल था, वो अपना अलग एम्पायर बना रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से वही लगा कि ये फ्रेंच आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहाना ढूंढ लिया। बहाना क्या था कि हमारी ट्रेडिंग पर आपने टैक्स कैसे लगा दिया, फाइन कैसे लगा दिया। तो वहाँ पर अंग्रेज जो टिम्बर यानी कि लकड़ी काट कर बेचा करते थे उन पर फाइन वाइन लगा दिया वहाँ के राजा ने, तो इसी का बहाना बनाकर लॉर्ड डफरिन ने भेजी आर्मी और पूरा का पूरा बर्मा इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से बर्मा कुछ कुछ टुकड़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में ले लेती है। तो याद रखना तीन एंग्लो बर्मीज वॉर थे, सबसे इंपॉर्टेंट केवल फर्स्ट वाला है, ज़्यादातर पावर बर्मा के राजा की उसी में खत्म हो गई थी। ट्रीटी ऑफ यांडा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी ट्रीटी ऑफ यांडा वो की, दैट यू हैव टू रिमेंबर, सीधे सीधे पूछी जा सकती है ना, क्योंकि इससे हमारे देश के कॉन्टूर्स बने, इससे हमारे देश की बाउंड्रीज आज भी बनती हैं, इसीलिए ये ट्रीटी ऑफ यांडा वो और ट्रीटी ऑफ सुगौली दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं इतिहास में। अब देखो ये बर्मा भी चिंग डायनेस्टी का वसाल था, उनके अधीन था ना, याद करो पहले बताया था फर्स्ट स्लाइड में। तो बर्मा कायदे से चिंग एम्परर के अधीन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे लड़ाई करी, मतलब चिंग डायनेस्टी को आना चाहिए था इनसे लड़ने के लिए, लेकिन चिंग डायनेस्टी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके पास बर्मा तक भेजने के लिए आर्मी भी नहीं थी, वो अपने अलग ही रेबेलियन वगैरह से जूझ रहे थे। तो चाइना अब बहुत कमजोर हो चुका है कि वो अपने वसाल्स की मदद नहीं कर सकता। और एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश ने कहा था कि ठीक है चलो बर्मा के राजा आप मानते हो, चाइना का राजा आपके ऊपर है, तो उसको एक आध बार पैसे भेज दो। तो एक बार ट्रिब्यूट भेजा गया 1885 के बाद, उसके बाद वो पूरी तरह से बंद हो गया। तो धीरे धीरे चाइना का भी जो ये इन्फ्लुएंस है फ्रेंच इंडो चाइना या फिर बर्मा वाले एरिया में, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब भारत के अंदर नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो बर्मा में भी एक नेशनल मूवमेंट चला, और वो नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ तालमेल भी बिठाता था। 1935 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। अगर आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसमें वन ऑफ द मेजर डिसीजंस यही था कि बर्मा को अलग बना दो, अलग एंटिटी के रूप में उसको गवर्न करो। और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर आईएनए ने बर्मा पे कब्जा कर लिया था विद द हेल्प ऑफ जापानीज आर्मी, बेसिकली जापान ने कब्जा किया था और आईएनए को ये लोग लेकर आए थे, बनाया था इन्होंने। और 1948 में बर्मा को आज़ादी मिल जाती है, हमें मिली 47 में, बर्मा को मिली 48 में। अब फाइनली यहाँ पर केवल भूटान का राज्य बचा है। तो देखो असम में ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस कब आता है, आफ्टर ट्रीटी ऑफ यांडाबो 1826, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब असम में आती है तो भूटान के ट्रूप्स इनको परेशान करते रहते थे, कई बार इन पर छोटे छोटे हमले करते थे, रेड्स वगैरह करते रहते थे, पैसा लूट के ले जाते थे। तो ये चलता रहा बहुत सालों तक। 1863 में क्या होता है कि लॉर्ड एल्जिन ने एक दूत भेजा था, उसको थोड़ा बेइज्जत किया गया भूटान के द्वारा, और फिर एक ट्रीटी साइन करवा ली जिससे इन्होंने असम और भूटान के बीच में जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन इससे ब्रिटिश खुश नहीं थे, तो ब्रिटिश आर्मी भेजी गई और एक छोटी सी लड़ाई के बाद में ये सारे पासेस किसके पास आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कंपनी अब तक खत्म हो चुकी है बाय द वे, तो ब्रिटिश प्रशासन के पास आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गए जो इंडिया में रूल कर रही थी, और इनमें कई सारे टी प्लांटेशन रिच डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपने पास रख लिए। और उसके बाद से भूटान हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहायक या फिर वही सब्सिडियरी अलायंस वाला देश बन गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। PDF पुराने लेक्चर्स के सारे अपलोड हो चुके हैं, सारे हिस्ट्री के सीरीज के, सॉरी फॉर द डिले, अभी आपको टाइम पे PDF मिल जाया करेंगे। और याद रखना कल स्पेशल क्लास है, अगर कोई भी डाउट है मॉडर्न इंडिया में तो शाम को 7 बजे आकर उसको आप सॉल्व करवा लीजिए, और करंट अफेयर से कोई भी डाउट है तो सुबह 11 बजे आप उसको सॉल्व करवा सकते हैं। Have a great day.